अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, एक्सरसाइज 7.1 क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ। इसमें हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन इफ एनी। क्या आपने इसको सॉल्व करना है और फिर चेक करना है आपने इनका एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास कोई भी आपकी वेरिएबल की वैल्यू आएगी, इसको पुट करना है आपने जो हमारे पास स्टार्ट में दी हुई इक्वेशन है, अगर तो लेफ्ट और राइट का सेम होगा तो फिर लिखना है आपने जो भी आपका आंसर है वो आपका सॉल्यूशन सेट है। अगर सपोज कि आपका लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल नहीं आता वैल्यू पुट करने से, तो फिर लिखना है आपने कि वो आपका एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ देखें हमारे पास, यहाँ पे आपने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पहले आप जो खत्म करेंगे स्क्वायर रूट के साइन को, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ इनका पहले हम स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन साइड, यहाँ आएगा 3x+4 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब ये पावर 2 है और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी आएगा 3x+4 इज इक्वल टू का स्क्वायर, क्या होगा हमारे पास 2 × 2 आपका 4 आएगा। अब यहाँ आपका प्लस 4 है क्योंकि हमारे को माइनस हो जाएगा, 3x = 4 - 4, 3x = 4 में से 4 को माइनस करेंगे 0 आएगा। अब यहाँ आपका 3 × इक्वल टू हमारा डिवाइड होगा तो आएगा x = 0/3, तो 0 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे आपका आंसर 0 आएगा। अब इसको नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 का, जो हमारे पास स्टार्ट में इक्वेशन है। अब आपने x की वैल्यू पुट करनी है 0 इन इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ लिखते हैं आपने चेक या चेकिंग, इसको आपने चेक करना है अभी। ठीक है, पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 1, तो जहां पे x है वहां पे 0 करेंगे, 3 × 0+4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2, 3 × 0 + 4 इज इक्वल टू 2, 0 में 4 को प्लस करेंगे 4 आएगा। अब 4 का लेंगे अब स्क्वायर रूट वापस 2 आएगा, 2 = 2, यानी कि लेफ्ट और राइट हमारे पास हां सेम आ गया है, तो फिर यही आपका होगा सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट होगा हमारे पास फिर 0, जो हमारे पास x की वैल्यू आई होगी। अगर x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ आपका लेफ्ट राइट का आंसर इक्वल ना आए तो फिर होगा आपका ये वाला एक्सपीरियंस सॉल्यूशन होगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाला पार्ट है कि 2 × t+4 का स्क्वायर रूट = 5। अब यहाँ से आपने t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आएगा 2 × t+4 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब हमारे पास जो पावर 2 है ये 2 का स्क्वायर या 4 बन जाएगा इनटू, अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा बाकी आपका t+4 आएगा, 5 × 5 = 25। अब 4 से करें मल्टीप्लाई t को भी, फिर 4 से 4 × t क्या आएगा आपका 4t 4 4 16। अब यहाँ आपका प्लस 16 है इक्वल हमारा एक आंसर हो जाएगा 4t = 25 - 16। अब 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9, 4t = 9। यहाँ पर आपने वैल्यू ऑफ t फाइंड करना है, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई है तो इक्वल मान आके आपका डिवाइड होगा। अब आपने चेक करना है, लिखना है आपने चेक। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपने पुट करना है कि यहाँ पे t यहाँ 9 और 4 पुट करना है इक्वेशन नंबर 1, पुट t = 9/4 इन इक्वेशन नंबर 1, तो आएगा 2 × 9/4 + 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। अब इनका पहले वैसे लेंगे, इसका नीचे ऊपर हमारे पास 1 है, यहाँ पर 4, यहाँ पे एलसीएम आएगा 4, उसके बाद क्या है 4 को 4 में डिवाइड करना आ जाएगा आपका 1, 1 × 9 क्या आएगा 9 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ आपने 4 को 1 से डिवाइड करना है, 1 × 4 = 4 आ जाएगा, 4 × 4 = 16 इज इक्वल टू 5। अब 9 में 16 को प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास 25/4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5।
अब 25 का हमारे पास स्क्वायर रूट होगा आपका 5 आएगा और 4 का 2 आएगा। अब 2 1 2 1 इज इक्वल टू ये वाला आपका 5, तो 5 1 5 इज इक्वल टू 5, तो आप वहां सेम आ गए। तो यहां पर आपका आएगा सॉल्यूशन सेट क्या होगा 9/4, ठीक है। ये हमारा आंसर, इसका जो आपको डिलीवर करना है एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 के, तो सभी आपके पार्ट्स हैं वो सेम आपके ऐसे होने हैं, ठीक है। वो घर से आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनका आपने होमवर्क करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।